आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं चार्जिंग अ कैपेसिटर. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हमारे पास चार्ज स्टोर होता है. लेकिन प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो यहां पर जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, यहां पर जब चार्ज स्टोर होगा तो उसका अमाउंट के लिए हम यहां पर जो रेशो हम इस्तेमाल करते हैं, जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं, उस रिलेशन से हमारे पास इसमें हमें पता चलेगा कि हाउ मच चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं. यानी यहां पर हमारे पास एक आरसी सर्किट मैंने आपको ड्रॉ किया है. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इसको प्रोवाइड करते हैं, सही है, और ये स्विच एस जो है इसको जब हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहां पर और ये कैपेसिटर जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें चार्ज स्टोर होगा. तो इसकी मैथमेटिकल वैल्यू जो हम मालूम करेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जब टाइम हमारे पास जीरो है तो कैपेसिटर पर हमारे पास चार्ज नहीं है, सही है. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं कुछ टाइम के बाद इस पर क्या आएगा, चार्ज स्टोर होगा. तो उसके लिए जो हम रिलेशन जो है वो है एक्सपोनेंशियल रिलेशन, दैट इज क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इनटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आरसी. यहां पर आरसी जो है ये टाइम कांस्टेंट है. क्या हमारे पास आरसी फैक्टर जो है टाइम कांस्टेंट है, ई जो है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, और इस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की जो वैल्यू मैथमेटिक्स में दी गई है वो है 2.7 मार्क है. कौन सी वैल्यू है इसकी, ये आपने याद रखना है 2.7 मार्क है, सही है. जब कुछ टाइम के बाद जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो ये जो टाइम कांस्टेंट है दैट इज टी, इसको हम आरसी के बराबर करते हैं. इसको क्या करते हैं, आरसी के बराबर करते हैं और इक्वेशन वन में पुट करते हैं, दैट इज टू विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इनटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आरसी डिवाइडेड बाय आरसी. ये आरसी इस आरसी को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है. हमारे पास क्या आ जाएगा, बता जाएगा माइनस 1, दैट इज टू विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इनटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ई हमारे पास एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो है 2.7 मार्क है. ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है दैट इज क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इनटू 1 माइनस 1 ओवर 2.7 मार्क है. 1 को 2.7 मार्क पर जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.3679. नाउ रेशियो जो हमारे पास इन दोनों की आएगी, यानी 1 से जब हम 0.3679 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, 0.632. इसको हम परसेंटेज में जब हम निकालेंगे तो परसेंट का मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. क्योंकि इक्वेशन को इक्विलिटी फराहम करने के लिए, इक्विलिटी को बरकरार करने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और 100 से हम इसको डिवाइड भी करेंगे. तो 1/100 जो हमारे पास परसेंट है 100.632 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारे पास आंसर आ जाता है दैट इज 63.2%. यानी कैपेसिटर को हम फुली क्यों चार्ज नहीं कर सकते, यानी क्वेश्चन राइज होता है जहन में कि 100% क्यों नहीं हो सकता, इसलिए द रेट ऑफ चार्जिंग डिक्रीज जो है उसके साथ चार्जिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा. यानी यार आप इस तरह कह सकते हैं कि जब चार्ज इंक्रीज होगा तो उसी रेशो के साथ इसमें चार्ज डिक्रीज भी होगा, तो इसलिए कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज नहीं होता और उसको मैथमेटिकल वैल्यू जो है दैट इज 63.2% आती है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर चार्जिंग अ कैपेसिटर. फॉर चार्जिंग अ कैपेसिटर इन एनी सेट बी वी कैन यूज दैट एक्सप्लेनेशन फॉर्म दैट इज क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आरसी. तो दैट इज चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज एंड डिक्रीज ग्रेजुअली टू जीरो. यानी हमारे पास चार्जिंग के लिए जीरो से इंक्रीज हो रहा था ग्राफिकली और यहां पर हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा. यानी इंक्रीजिंग वैल्यू जो इसकी है वो ग्रेजुअली क्या होगी, डिक्रीज होगी और हमारे पास जीरो की तरफ आएगी. यहां पर भी हम जैसा कि हमने प्रीवियसली चार्जिंग कैपेसिटर टाइम कांस्टेंट जो था उसको हमने क्या पुट किया था, दैट इज टाइम में हमारे पास ऐसे भी
किसके बराबर है, आर सी के बराबर है। यहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, जी इक्वल टू आर सी, इसी क्वेश्चन में जी टी की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, आर सी पुट कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाता है जैसे क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज़ टू 4 माइनस आर सी डिवाइड बाय आर सी, आर सी आर सी को कैंसिल कर देता है, हमारे पास क्या वैल्यू हो जाती है, दैट इज क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज़ टू 4 माइनस 1। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास बराबर है 2.718। ये भी हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाता है दैट इज क्यू डिवाइड बाय क्यू नॉट, चार्ज के दरमियान जो रेशियो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/2.718। 1 को हम इस पर जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है 0.367। अब परसेंटेज में जब निकालेंगे तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू इस चार्ज डिस्चार्जिंग एप्लीकेशन की जो रेशियो की जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है परसेंटेज में दैट इज 36.7%। यानी हम कैपेसिटर को 36.7% तक क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं।